हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कार रिव्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। कमेंट में बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। और थैंक यू फॉर 300 प्लस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। और सॉरी इसलिए क्योंकि इतने दिनों तक वीडियोस नहीं आ रही थी, इसलिए सॉरी। लेकिन अभी वीडियो जरूर आएंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का कार रिव्यू वीडियो। अब सभी लोगों को मालूम होगा इस गाड़ी का नाम, कमेंट में जरूर बताएगा। दिस इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर एंड अफोर्डेबल इन ईवी सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय टाटा मोटर्स। टियागो डॉट ईवी के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो। टियागो और टियागो डॉट ईवी दोनों सिमिलरली दिखती है, क्योंकि दिस ईवी बेस्ड ऑन टियागो। टियागो में ही कुछ चेंजेस करने के बाद 2022 में टाटा मोटर्स ने टियागो डॉट ईवी को लॉन्च किया था। इसमें 5 कलर ऑप्शंस जैसे कि लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रे, वाइट और मिडनाइट प्लम कलर ऑप्शंस मिलता है। और इसमें 4 वेरियंट्स आते हैं जैसे कि XE, XT, XZ, XZ प्लस, XZ प्लस टेक लक्स जैसे वेरियंट्स आते हैं। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है टियागो डॉट ईवी। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में फ्रंट ग्रिल मिलता है, ब्लू कलर की पट्टी मिलती है, ईवी की बैजिंग। फ्रंट बम्पर कुछ ऐसा दिखता है, हेडलाइट कुछ ऐसे दिखती है इसमें टियागो डॉट ईवी में। हाई बीम और लो बीम के साथ मिलता है और टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। नीचे की साइड आपको फॉग लैंप मिलता है और साइड में LED लाइट मिलती है। फ्रंट बोनेट पे आपको डिजाइन मिलती है और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं ईवी में। साइड से कुछ ऐसे दिखती है। इसके हाइट के बारे में बात करें तो हाइट आपको 1.5 मीटर की मिलती है, लेंथ 3.7 मीटर की, विड्थ आपको 1.6 मीटर की मिलती है। और टियागो डॉट ईवी में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm की मिलती है। व्हील साइज के बारे में बात करें तो 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं इसमें। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है, पीछे की साइड ड्रम ब्रेक्स मिलती है टियागो डॉट ईवी में। कुछ ऐसा दिखता है बाहर से टियागो डॉट ईवी का लुक। साइड व्यू मिरर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्डेबल साइड व्यू मिरर मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ। डोर हैंडल पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग का टच मिलता है। ऊपर की साइड एंटीना मिलता है, इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। इसकी टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें तो टर्निंग रेडियस आपको इसमें 5.1 मीटर का मिलता है। चलिए हम देखते हैं ईवी को कहां से चार्ज करते हैं। चार्जिंग सॉकेट खोल कर देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है टियागो डॉट ईवी का चार्जिंग सॉकेट। एसी और डीसी चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हैं। ऊपर की साइड एसी यानी नॉर्मल चार्जर मिलता है, नीचे डीसी यानी फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिलता है टियागो डॉट ईवी में। हम कार को फुल चार्ज कर सकते हैं। चलिए पीछे चलकर देखते हैं टियागो डॉट ईवी को। ओवरऑल कुछ ऐसे दिखती है साइड से टियागो डॉट ईवी और पीछे से कुछ ऐसे दिखती है। ऊपर की साइड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, नीचे की साइड डिफोगर्स मिलता है, रियर वाइपर्स वॉशर के साथ मिलता है इसमें। नीचे की साइड आपको टाटा मोटर्स का लोगो मिलता है, टाटा मोटर्स का लोगो। नीचे की साइड टियागो डॉट ईवी की बैजिंग मिलती है, रियर व्यू कैमरा मिलता है टियागो में। टेल लैम्प कुछ ऐसे दिखते हैं, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर के साथ। ओवरऑल कुछ ऐसे दिखती है पीछे से टियागो डॉट ईवी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 166 mm की मिलती है। चलिए बूट ओपन करके देखते हैं। ओवरऑल कुछ ऐसा दिखता है बूट स्पेस टियागो डॉट ईवी का। ऊपर की साइड पार्सल ट्रे मिलती है। चार्जर कुछ ऐसा दिखता है टियागो डॉट ईवी का। टियागो डॉट ईवी के बूट स्पेस के बारे में बात करें तो बूट स्पेस 240 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और बैटरी पैक इसका पीछे ही मिलता है, इसलिए बूट स्पेस थोड़ी कम मिलती है टियागो डॉट ईवी में। चलिए रियर पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। ओवरऑल कुछ ऐसे दिखती है बाहर से टियागो डॉट ईवी। चलिए रियर पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। डोर हैंडल पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का टच मिलता है। अंदर की साइड ब्लैक और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साइड डोर मिलता है। डोर हैंडल साइड में ट्विटर, नीचे की साइड आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, आर्मरेस्ट, स्पीकर,
बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, कुछ ऐसे दिखती है ब्लैक फैब्रिक सीट टियागो टीवी में। इस वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। चलिए अंदर बैठ कर देखते हैं। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, मेरे जैसे और 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इस ईवी में। नीचे की साइड स्टोरेज स्पेस मिलती है, कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड ब्लैक और लाइट ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। ऊपर की साइड आपको रीलिंग लाइट मिलती है, ओवरऑल इतनी स्पेस मिलती है रियर पैसेंजर साइड आपको टियागो टीवी में। साइड में आपको ग्रैप हैंडल मिलता है, दोनों ही साइड आपको ग्रैप हैंडल मिलता है। चलिए तो फिर चलते फ्रंट साइड, फ्रंट से कुछ कैसी दिखती है टियागो टीवी। चलिए तो फिर ओपन करते हैं ड्राइवर साइड डोर। डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, कुछ ऐसे दिखते हैं ब्लैक और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ डोर। ऊपर की साइड आपको साइड व्यू मिरर के कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर हैंडल। नीचे की साइड आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। आर्मरेस्ट, नीचे की साइड आपको थोड़ी स्पेस मिलती है। स्पीकर, इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। कुछ ऐसे दिखती है ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड सीट आप 8-way एग्जस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। और को पैसेंजर साइड के बारे में बात करें तो को पैसेंजर साइड 6-way एडजस्टेबल सीट मिलती है। नीचे के साइड आपको ब्रेक और एक्सीलेटर मिलता है, इसमें क्लच नहीं आता है क्योंकि ऑटोमेटिक कार है। और साइड में आपको बोनेट खोलने का लीवर मिलता है। चलिए तो फिर चल के देखते हैं अंदर से, कुछ ऐसा दिखता है स्टीयरिंग टियागो टीवी का विदाउट लेदर रैप। नीचे की साइड पियानो ब्लैक फिनिशिंग का टच मिलता है, डी कट स्टीयरिंग मिलता है, बीच में टाटा मोटर्स का लोगो मिलता है। साइड में इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स और इस तरफ क्रूज कंट्रोल्स। इंजन स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसा एनिमेशन दिखता है टियागो टीवी में। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट स्क्रीन और क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग पर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है विद ब्लू बॉर्डर के साथ। इसमें कार के रिगार्डिंग कई सारी इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, डिजिटल क्लॉक, लो बैटरी वार्निंग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, जैसे कई सारे वार्निंग्स और इंफॉर्मेशन मिलती है कार्स के रिगार्डिंग। इस तरफ आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस तरफ लाइट और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विथ हाई बीम लो बीम। चलिए ईवी के सेंट्रल जोन के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है सेंट्रल जोन। बीच में 2 AC वेंट्स, बीच में एजल लाइट का बटन, उसके अराउंड ब्लू बॉर्डर मिलती है। नीचे की साइड 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, इसमें इनबिल्ट ऐप आती है जेड कनेक्टेड, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं कार से। रियर पार्किंग कैमरा, नीचे की साइड आपको रिगार्डिंग चार्जिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे AC वेंट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, और नीचे की साइड थोड़ी स्पेस, USB पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। ओवरऑल कुछ ऐसा दिखता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टियागो टीवी का, जिसमें आपको रिवर्स न्यूटन ड्राइव और स्पोर्ट जैसे गियर शिफ्टर मिलते हैं। 2 मोड्स आते हैं नॉर्मल और स्पोर्ट। बीच में आपको हैंड ब्रेक मिलती है, उसके ऊपर की साइड आर्म रेस्ट मिलता है, आर्म रेस्ट के अंदर ह्यूज स्पेस मिलती है स्टोरेज स्पेस। और कुछ ऐसे दिखता है सेंट्रल जोन टियागो टीवी का, इसमें उस तरफ आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है जो कुछ ऐसा दिखता है विथ स्टोरेज स्पेस के साथ। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ AC वेंट्स मिलते हैं ब्लू बॉर्डर के साथ। चलिए बोनेट खोल कर देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ओवरऑल कुछ ऐसे दिखता है टियागो टीवी का इंजन। इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, इसकी कैपेसिटी 24 kW की है, जिसको आप AC और DC चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इस AC से आपको 9 घंटे लगते हैं और DC से अराउंड 4 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। फुल चार्ज होने के बाद टियागो टीवी 240 km की रेंज निकाल के देती है। फुल चार्ज करने के बाद आपको EV 73 BHP और 114 Nm का टॉर्क निकाल के देती है 0-60 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। चलिए तो इसके सेफ्टी और प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो सेफ्टी में आपको ओवर स्पीडिंग वार्निंग मिलती है, 2 एयरबैग्स मिलता है पैसेंजर साइड और को पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग मिलता है रिमाइंडर,
जो कह सकते हैं TPMS मिलता है, EBS और EBD जैसे ब्रेक और ट्रैक्शन के कंट्रोल्स मिलते हैं, और कई सारे फीचर्स मैंने डिस्प्ले पर मेंशन करे हुए, प्लीज़ चेकआउट। और प्राइस के बारे में बात करें तो EV की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 8 लाख टू टॉप मॉडल कीमत है 12 लाख रुपीज़। मैंने वेरियंट्स और प्राइस की डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर मेंशन की हुई है, प्लीज़ चेकआउट। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए का रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।